Question number one is, the poem draws a contrast between dash and dash. Animals, human beings. Tiger in a zoo, tiger in a forest. Tiger in a zoo, humans. Humans, tiger in forest. Correct answer is option B, that is tiger in a zoo and tiger in a forest. फिर से रिपीट कर देती हूँ. द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम. इस पोएम में क्या पर्सोनिफाई किया गया है? टाइगर, फॉरेस्ट, जू, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, टाइगर. टाइगर हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम. यहाँ पर इस पोएम में टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है. टाइगर के लिए ही वर्ड का भी यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज. इस लाइन में, किस लाइन में? इन हिज क्वाइट रेज कौन से पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन, कॉन्सोनेंस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीमोरन. क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत. रेज मीन्स क्या होता है? गुस्सा. तो ये क्या हुए? एक दूसरे के विपरीत बोधक हुए, विरोधाभासी हुए ना. तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर फोर इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. इस लाइन में, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन, कॉन्सोनेंस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस नाम की पोएटिक डिवाइस का यूज जो है यहाँ किया गया. ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, बार बार इस तरह की स स स स की साउंड जो आ रही है, कॉन्सोनेंस बोलते हैं उसे. क्वेश्चन नंबर फाइव इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. इस लाइन में, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन, कॉन्सोनेंस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मेटाफर. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में मेटाफर का यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लास. इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन, कॉन्सोनेंस. तो यहाँ पर, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज. किसका यूज किया गया है? कॉन्सोनेंस का. क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाई शुड ही बी लॉकिंग इन शेडो. आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ वन एंड टू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू कैच द डियर. किस लिए? जो ये टाइगर था, मतलब जस्ट रियल टाइगर जो होता है जंगल में रहने वाला, उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या करता है? वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो, मतलब छाया में, अंधेरों में, परछाइयों में एकदम वो वहाँ उस हिरण की तलाश में वहाँ जाता है जहाँ पर हिरण पानी पीने के लिए आते हैं. और ग्रासी एरिया जो होता है वहाँ पर वो पैरों से धीरे धीरे घिसटता हुआ शिकार कर देता है एकदम से हिरण पे. क्वेश्चन नंबर एट इज, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से. ये कहते हुए कि इग्नोरिंग विजिटर्स, देखने आने वाले लोगों को इग्नोरिंग करता है टाइगर जो जू में कैद है. यह लाइन कहते हुए पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें? टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड. यह कहना चाह रहे हैं क्या कि टाइगर जानता है कि उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो बंदी हुई है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है. देयर इज नो यूज ऑफ शोविंग रेज. या फिर जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो ये सोच रहा है
इसका कोई यूज नहीं है कि वो अपना गुस्सा दिखाए, क्योंकि वो तो सलाखों के पीछे कैद है और वो अपने गुस्से से उन्हें कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केस, कि वो बहुत ही लेस टेरराइज कर पा रहा है केस की वजह से। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीजन थे, है ना, इसी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो विजिटर्स को इग्नोरिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, क्या चीज है डिस्क्राइब कर रही है जो टाइगर इन अ सेल को, लॉक इन कॉन्क्रीट सेल,